जो लोग बोलता है क्यों दिन रेटी प्रयाण हो बिना, आप जाकर उनसे चैलेंज करो जो बोलता है कि तिप्रासा को जैसा है वैसा रखेगा। ये दो हफ्ते जाएगा चीनी सेकला रख से चीनी भविष्य चुन के मुनी तला तंगिया कोई 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 हम लोग को नहीं बोल सकता कि हम लोग का जो डिमांड है वो देश के खिलाफ है। सीपीएम 15 साल तक काउंसिल में था, लेकिन जब टिप्रा मोथा आया तो काउंसिल का शुरुआत भी जनगण मन से हुआ। कोई नहीं बोल सकता हम लोग इंडिया के खिलाफ। लेकिन अगर टिप्रासा ने अपना हक के लिए बात किया तो उसको आप कम्युनल नहीं बोल सकता है, उसको आप नहीं बोल सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। आज का टिप्रासा, आज का सेकला, आज का ब्रुइट अपना अधिकार जानता है और क्या किसी से अपना टिप्रासा करिए, अपना लोग हमारा साथ है। अगर आप लोग टिप्रासा लोग देव वर्मा ने जनतिया ने टिप्रासा बना और अगर आप लोग आईपीएफटी आईएनपीटी सीपीएम कांग्रेस बीजेपी नहीं पहले टिप्रासा बना तो इस हा में चीनी हा चीनी शासन होगा। और इवन लोग जो बोलता है हम लोग खून देगा, हम लोग खून देगा, कुछ नहीं देने का, सिर्फ 18 महीना 2023 18 महीना में 70 साल के बाद अपना टिप्रासा का शासन होगा। जो एबीसी में आपने किया, सब लोग बोलता था रीजनल पार्टी नहीं जीत सकता, रंग नहीं है वो तो नेशनल पार्टी है, रंग नहीं है रीजनल पार्टी का, आंचलिक पार्टी का पास रंग नहीं है, आंचलिक पार्टी जीत नहीं सकता। ये साल पूरा इंडिया देखा है कि हम लोग का टिप्रासा लोग कम हो सकता है, लेकिन हम लोग टिप्रासा लोग भी फाइट करना जानता है और हम लोग ने किया। उनके पास प्रशासन था, उनके पास पुलिस था, उनके पास रंग था, हमारे पास टिप्रासा। 2023 में आप देखना हम लोग क्या परिवर्तन लेके आता है। विश्व केतु देव वर्मा को भूभाग्रह सल्यूट करता है, क्योंकि विश्व केतु देव वर्मा ने पद एमएलए के बारे नहीं सोचा, दोफा के बारे सोचा। बाकी और भी एमएलए है, बाकी और भी नेता है, भूभाग्रह अनुरोध करता है 2 साल के बाद आप लोग एमएलए नहीं रहेगा, लेकिन आपको अपना काम ही में जाना पड़ेगा, आपको अपना इलाका में जाना पड़ेगा, तो आप क्या शक्ल दिखाएगा, क्या शक्ल दिखाएगा। आज भी टाइम है, आज भी आपके पास टाइम है, आपके पास जो भूभाग्रह ने किया कांग्रेस का पद छोड़ के दोफा के लिए, जो विश्व केतु ने किया दोफा के लिए, जो विजय राघवन ने किया दोफा के लिए, आज आपका पास भी वो टाइम है। अगर आपने ये टाइम सिर्फ अपने बारे स्वार्थी बन के सोचा तो ये दोफा ये हा आपको कभी माफ नहीं करेगा। आज भी आओ राम सोगो तिप्रा मोथा आप सबका है। और जो लोग बोलता है हवे ना, उन लोगों को एक ही जवाब हम लोग दे सकता है, 2023 में आपका वोट, आपका वोट से हम लोग जो हिंदुस्तान का संविधान हमको अधिकार देता है, अपना अधिकार दिया है, हमने कुछ चीज गलती से नहीं मांगा है, वो अधिकार हम लोग लेके छोड़ेंगे। और मैं बोलना चाहता हूं, बोलेगा महाराजा आप मुख्यमंत्री बन जाओ, महाराजा आप मंत्री बन जाओ, भूभाग्रह को ना मुख्यमंत्री बनना है, ना मंत्री बनना है, ना एमएलए बनना है, भूभाग्रह को सिर्फ ग्रेटर टिप्रा लैंड चाहिए। और ये टिप्रा लैंड भूभाग्रह के लिए नहीं है, है मेरे पास भाग, भगवान ने बाबा गरिया ने टिप्रा सुंदरी ने बहुत दिया, हमको अपना दोफा के लिए कुछ देना है। वीर विक्रम का नाती अपना टिप्रा साहब के लिए कुछ करेगा, इसके लिए आज भूभाग्रह अकेला है, लेकिन अगर बुरी रहा सेकला रहा हमारा टिप्रासा रहा तो हम लोग का ढांचा
हम लोग का ये जो मूवमेंट है, ये आंदोलन है, 2 साल के अंदर रिजल्ट लेके आएगा। नवंबर को YTF प्रेसिडेंट कहा है, आप हर ब्लॉक से 30 से 40 पिपरा साहब सैकला को निकालो, 1000-1200 हम लोग ट्रेन में भर भर के दिल्ली जाएगा, जंतर मंतर में पूरा इंडिया देखेगा। यहां का छुटा का मीडिया है, पूरा इंडिया देखेगा कि पिपरा में पिपरा सा लोग अपना संवैधानिक अधिकार के लिए बात कर सकता है। ग्रेटर पिपरा लैंड का मूवमेंट दिल्ली जाके होगा। जय हिंद, धन्यवाद। फिर से विश्वगेतु, आई सैल्यूट यू, वेरी प्राउड ऑफ यू, वेलकम टू पिपरा मथा।